क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x - y + 3z - 4 = 0 और 6x - 3y + 9z + 13 = 0। ये कोई दो अलग अलग प्लेन का इक्वेशन है, हमको क्या करना है, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, पैरेलल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लेन सॉरी पैरेलल डिस्टेंस नहीं, हमें को इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल है, ठीक है। तो देखो इसको कोई बना दो प्लेन का इक्वेशन नंबर 1, कोई दूसरे प्लेन का इक्वेशन नंबर 2 बना दो, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा था, जो प्लेन का इक्वेशन दोनों का था उनका डायरेक्शन रेशियो क्या था, सेम था, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो मतलब एबीसी का वैल्यू क्या था, सेम था, तो उसी तरह क्या करो, अगर आपके पास दो अलग अलग इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये a का वैल्यू, यहाँ पे b का वैल्यू 1 है, यहाँ पे c का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 9 है। तो अगर आपके a b c का वैल्यू अगर डिफरेंस भी है तो आप क्या करो, किसी में मल्टीप्लाई करके, किसी भी प्लेन के इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके पहले उन दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम करो, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6x बन जाएगा, यहाँ पे -3y बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9z हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 12 और क्या इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम अपने जनरल फॉर्मूले में रखते हैं, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन कितना है, d1 - d1 / √a² + b² + c², ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस लेंगे, बाद में मॉड के वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। तो देखो d2 मतलब क्या, हमारे पास ये इक्वेशन की बात कर रहा है वो, ठीक है, ये पहला इक्वेशन बनाया, ये दूसरा इक्वेशन, तो d2 क्या हो गया, ये हो गया 13 हो गया, ठीक है, माइनस d1 का वैल्यू क्या है, -12 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, -12 है, और अंडर रूट में क्या आएगा, a² + b² + c², तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 3 3 9, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा, 9 का स्क्वायर कितना 81, ठीक है। अब क्या करो, मॉड लगा दो, तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस हो जाएगा, इसलिए हमको निगेटिव वाला कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 12 25 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा अंडर रूट के अंदर, 36 9 45 और 81 कितना हुआ, 81 9 90 कर दो, 9 3 12 120 126 हो गया, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका आंसर, डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल पे, आप इतना पे भी रोक सकते हो, या क्या करो 126 को थोड़ा सा ओपन करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ हमको, क्योंकि हमने जब d1 लिखा तो d1 का वैल्यू पहले से ही निगेटिव था, इसलिए हमको मॉड देने का जरूरत पड़ा ही नहीं, ठीक है। तो इसको